दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो परीक्षा में आने लायक है। जो आने लायक सवाल है उन्हीं को लिए मैंने आज, आप देखिए इन सवालों को समझिए, आपके गणित का एग्ज़ाम है 2-3 दिन बाद, तो ये सवाल ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आने लायक है, इनको पूरे देखिए। पहला सवाल, समांतर श्रेणी जो आपकी प्रश्नावली है उससे लिया है ये सवाल मैंने। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 10, 7, 4 और ये अंतिम पद है आपका -62। ये कह रहा है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना, यानी ये कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना, ये यानी आपको पहले से अगर कह देता 11वां पद ज्ञात करो तो वहाँ पर आप एन बराबर 11 रख के अब आसानी से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन इसने कहा कि अंतिम से 11वां पद, तो उसके लिए एक सूत्र है अंत से जो पद ज्ञात करने का सूत्र होता है वो आपको याद रखना है। अंत से 8वां पद कह सकते हैं अपन, 8वां पद ज्ञात करने का सूत्र है an माइनस कोष्टक r माइनस 1d। an तो आपको दे रखा होगा और r भी आपको दे रखा है, अंतिम से जो पद आपको पूछे वही अंतिम वो वाला r वाला पद हो जाएगा। माइनस 1 और d आपको निकालना है a2 माइनस a1 से, है ना। तो यहाँ पर अपन a बराबर तो क्या 10 दे रखा है, डी बराबर अपन ने निकाल लिया a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10, तो d बराबर आ गया आपका -3 और an आपको -62 दे रखा है। अब इनको सूत्र में मान रखा अपने अंत से 8वां पद, तो कौन सा 11वां पद ज्ञात करना है, तो सूत्र में मान रखा an माइनस r माइनस 1d, तो an बराबर -62 माइनस r बराबर 11 दे रखा था, 11 माइनस 1 फिर कोष्टक और d का मान अपन ने निकाला -3 आए। इनको हल किया तो -62, 11 में से एक गया तो 10, तो ये -10 और ये -3। -10 को -3 से गुणा करेंगे तो 10 × 3 = 30 और -± + हो जाएगा, यानी -62 और +30 आपका रहेगा। अब -62 में से +30 निकाल लो तो ये आपका -32 आपका आंसर आ गया। ये इसका सूत्र याद रखना, आप सूत्र से आसानी से हो जाएगा। अगर आपको n ज्ञात करना करने के लिए बोले तो आप उसको सूत्र याद रखना n बराबर a + n - 1 d वाले सूत्र से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, an बराबर a + n - 1 और कोष्ठक के बाद d, इस सूत्र से आप आसानी से कर सकते हो। उसमें an भी पूछ सकता है, n भी पूछ सकता है, उसके सवाल पिछले वीडियो में अपन ने कर लिए तो वो आप देख लेना। और योग के लिए पूछे तो sn वाला सूत्र अपन को याद रखना है, sn वाला सूत्र, उसके आधार पर एक दो सवाल आगे आ रहे हैं अपन देखेंगे। sn वाला सूत्र, sn बराबर होता है n/2 कोष्ठक 2a + n - 1 और ये d आपका वही सार्वंत्र हो जाएगा, n आपको दे रखा होगा, a पहला पद और sn इन पदों का योग, तो ये सूत्र भी आप याद रखना। नेक्स्ट, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आने लायक है, तो देखना इस सवाल को। ये कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है, प्रथम 7 पदों का योग कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, ठीक है, और 17 पदों का योग दे रखा है 289, है ना। अब ये कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इस सवाल में इसने योग दिया तो योग का नाम आते ही तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यहाँ पर योग वाला सूत्र लगेगा और योग वाला सूत्र कौन सा, sn वाला सूत्र लगेगा। sn वाला सूत्र अपन को याद होना चाहिए, sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1d, ठीक है, इस सूत्र से इस सवाल को करेंगे। यहाँ पर 2 पद दे रखे, 1/7 पद भी दे रखा आपको और 1/17 पद भी दे रखा है, तो यहाँ पर 2 समीकरणें प्राप्त होगी, फिर दोनों समीकरणों से अपन a का मान ज्ञात करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे, a और d का मान निकल जाएगा तो उसके बाद अपन n पदों का योग ज्ञात कर सकेंगे। तो इसमें पहली समीकरण, पहले अपन जो s = 14 दे रखा है, यानी s = 7 यानी 7 पदों का योग दे रखा है, उसको अपन सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र लिख दिया मैंने, sn = n/2 कोष्टक 2a + n - 1 और कोष्टक d। sn यानी 7 पदों का योग दे रखा है, n = 7 है तो n/2 यानी 7/2 अपन ने लिख लिया। 2a + n - 1 यानी 7 - 1d और बराबर कितना दे रखा, 49 दे रखा। इसको मैंने हल किया 7/2, 2a 7 में से एक गया तो 6d बराबर 49 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 2 को बाहर ले लिया, है ना, 2 को बाहर लिया तो यहाँ पर तो बचा 1 और यहाँ पे 6 में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3d हो जाएगा, ठीक। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास a7 = 7 कोष्टक a + 3d = 49 आ गया। ये 7 था इधर, इसको मैंने 7 के अपॉन 14 49 के अपॉन में ले लिया तो a + 3d = कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ये आपकी पहली समीकरण आ गई, ठीक है। इसी प्रकार 17वें पद के लिए भी इसी प्रकार की समीकरण बनाएंगे। 17वां पद के लिए हमने सूत्र लगा दिया sn वाला, है ना, तो a17 बराबर आपका
एन बाई टू यानी एन का मान 17 था, 17 बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 यानी 17 माइनस 1 डी बराबर 289। इसको हल किया मैंने तो 2a 17 में से 1 गया 16, 16 डी बराबर 289 हो गया। इन दोनों में से मैंने दो बार ले लिया क्योंकि ये अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इन दोनों में से दो बार ले लिया तो ये तो बचा a और 2 का भाग 16 में 8 बार तो 8 डी। इस 2 से ये 2 कट गया, इधर आया 289 है ना, ये 17 इसके भाग में चला जाएगा है ना, तो ये 17 का भाग इसमें 17 बार जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 8 डी बराबर 17 आ जाएगा। ये दो समीकरण आपकी, एक तो a प्लस 3 डी बराबर 7 और एक है a प्लस 8 डी बराबर 17। दोनों समीकरण को मैंने रखा यहाँ पर, समीकरण एक में दो a प्लस 3 डी बराबर 7, a प्लस 8 डी बराबर 17, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, ये 3d प्लस का और ये माइनस के 8d, 8 में से 3 गया तो ये माइनस का 5d आया, इधर माइनस का 10 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5d बराबर 10 है तो d बराबर 10 बटा 2 कितना आ गया, 5 आ गया, सॉरी 2 आ गया है ना, 5 का भाग 10 में 2 बार, तो d का मान 2 आ गया। अब d का मान 2 आ गया तो d का मान अपन समीकरण एक में रखो या दो में रखो, किसी में भी रखोगे तो आप a का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो d का मान मैंने समीकरण एक में रखा तो a प्लस 3 और d बराबर 2, 3 इंटू 2 बराबर 7, ये 7 दे रखा, 3 को 2 से गुणा किया 6, तो ये 6 इधर चला गया, 7 माइनस 6 तो बराबर कितना आ गया a, a का मान कितना आ गया 1 आ गया और d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब अपन a और d के मान इसमें रख देंगे, a और d के मान इसमें रखेंगे, वापस सूत्र लिख दिया, उसने कहा n पदों का योग, n बराबर n ही रखना, अगर वो कहता 25 पदों का योग ज्ञात करो या 12 पदों का योग, तो n बराबर 12 या 25 लिखते, इसने कहा n पदों का योग ज्ञात करो, तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा मैंने एस एन बराबर n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 डी। अपने a और d के मान अपन रख देंगे जो अभी निकाले अपन ने समीकरण एक में दो से, एन बाई टू एन बराबर एन ही रखेंगे, ए बराबर कितना था 1, तो 2 इंटू 1 हो गया प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2 आ गया, 2 रख दिया। अब एन बाई टू, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस एन को 2 से गुणा किया 2n माइनस के 2 आ गया, ये माइनस का 2 प्लस का 2 दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2n, 2n को n से गुणा किया 2n स्क्वायर अपॉन में 2, इस 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया एस एन बराबर आ जाएगा आपका n स्क्वायर, तो n पदों का योग कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप वापस देख लेना है ना। 7 पदों का योग दे रखा है 49, 17 पदों का दे रखा है 289, तो दो समीकरण बनानी एस एन वाले सूत्र से, दोनों समीकरण बन जाएगी उसमें, फिर आप ए और डी का मान निकाल लेना, ए और डी का मान आ जाएगा, फिर उनके मान एस एन वाले सूत्र में रख दोगे तो आपका एन पदों का योग एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा सवाल, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, यानी 7 पुरस्कार है और राशि कितनी है 700। अब आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक वाले पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी जो पुरस्कार दे रहा है उसका जो दूसरा पुरस्कार है पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम आएगा, तीसरा पुरस्कार आएगा वो दूसरे से 20 रुपये कम आएगा, इस प्रकार 7 पुरस्कार की राशि दी गई है कुल 700। तो ये कह रहा प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने माना कि पहला पुरस्कार कितना x मान सकते हो, आप a मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा वो मान सकते हो, मैंने यहाँ पर पहला पुरस्कार क्या माना a माना। ठीक है, तो दूसरा पुरस्कार क्या है, पहले का 20 रुपये कम है, ये कह रहा पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो पहला a है तो दूसरा कितना आ जाएगा a माइनस 20 आ जाएगा, तीसरा कितना आ जाएगा, तीसरा पुरस्कार आ जाएगा a माइनस 20, माइनस 20 यानी दूसरे से भी 20 रुपये कम आएगा, तो तीसरा आ जाएगा आपका a माइनस 40 आ जाएगा। इस प्रकार आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी, a माइनस 20, a माइनस 40, आगे आ जाएगा a माइनस 60, a माइनस 80 है ना, इस प्रकार अब समांतर श्रेणी बन गई। अपन को अपन चाहे तो दो पद से ही अपन a और d निकालने थे, लेकिन मैंने यहाँ पर तीन पद ले लिए। अब आगे देखो a बराबर क्या है, यहाँ पर a बराबर तो a है, d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 है अपना a माइनस 20 और माइनस a से a कट गया तो d बराबर कितना आ गया माइनस का 20 आ गया, n बराबर अपना 7 पुरस्कार है और कुल योग कितना है 700 रुपये की राशि दे रखी है s7 बराबर 700। अब सूत्र में मान रख देंगे, सूत्र हमारा sn बराबर n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d, sn बराबर 700 दे रखा है, n बराबर 7, 7 बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है अभी 20 माइनस के 20। इसको हल करेंगे अपन तो ये 700 बराबर 7 बटा 2 टू ए, 7 में से 1 गया तो 6 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो माइनस के 7 में से 1 गया तो 6 है ना, और 6 को 20 से गुणा करेंगे तो माइनस के 120 आ जाएगा, माइनस के 120। ठीक है, अब इसको हल करेंगे पर इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, दो बार आ गया तो ये आ गया ए माइनस 60 है ना, 2 से 2 कट गया तो 700 बराबर 7
कोष्टक ए माइनस 60 बचा, ये 7 इधर जाएगा तो 700 के अपॉन में चला जाएगा, तो ये 700/7 तो 100 आ जाएगा, यानी ए माइनस 60 बराबर कितना है 100। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ जाएगा 100, माइनस का 60 इधर जाएगा तो प्लस का 60, तो ए बराबर आ गया आपका 160। यानी और ए अपन ने क्या माना था, पहला पुरस्कार आ गया 160 आ गया, तो दूसरा पुरस्कार क्या आ जाएगा, पहले का 20 रुपये कम, तो 160 ये प्रथम पुरस्कार आ गया हमारा 160 रुपये, है ना। तो दूसरा कितना आ जाएगा, 160 माइनस 20, पहले से 20 रुपये कम आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तीसरा पुरस्कार कितना, दूसरे से 20 रुपये कम, पहले से 40 रुपये कम या दूसरे से 20 रुपये कम, तो मैंने दूसरे से 20 रुपये कम किया, दूसरा पुरस्कार 140, 140 में से 20 गया तो तीसरा पुरस्कार 120 आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा पुरस्कार आ जाएगा 120 माइनस 20 यानी 100 रुपये। पाँचवा पुरस्कार चौथे से 20 रुपये कम कर देंगे तो 80 रुपये आ जाएगा। छठा पुरस्कार आपका पाँचवें पुरस्कार से 20 रुपये कम कर देंगे तो आपका 60 रुपये आ जाएगा। और आपका सातवां पुरस्कार आ जाएगा आपका छठे पुरस्कार से 20 रुपये कम यानी 40 रुपये आ जाएगा। इन सब का योग करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये। 700 रुपये की राशि को आपने 7 पुरस्कारों में बांटी। इस प्रकार सवाल को आप आसानी से SN वाले सूत्र से कर सकते हो। तो ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। अब नेक्स्ट चौथा सवाल, निम्नलिखित श्रेणियों के पहले 25 पदों का योग ज्ञात करना है। 25 पदों का योग ज्ञात करना, लेकिन आपको यहाँ पर an बराबर दे रखा है 3+4n, है ना। तो एक बार यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो n बराबर आप 1, 2, 3 रखें, एक बार आप 2-3 पद ज्ञात करो, उससे आपकी समांतर श्रेणी मिल जाएगी। और समांतर श्रेणी मिल जाएगी तो उससे अपन a और d का मान निकाल लेंगे, और a और d का मान आ जाएगा तो अपन 25 पदों का योग आसानी से ज्ञात करेंगे। योग पूछा है तो SN वाला सूत्र ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार तो अपन समांतर श्रेणी बनाते हैं। ए एन बराबर दे रखा आपको 3+4n, एन बराबर 1 रखा तो 3+4 × 1 यानी 4, 4 और 3 पहला पद आ गया आपका 7 आ गया। दूसरा एन बराबर 2 रखेंगे तो 3+4 × 2 8, 8 और 3 11, दूसरा पद 11 आ जाएगा। एन बराबर 3 रखेंगे तो 3+4 = 12, 12 और 3 15, तीसरा पद आपका 15 आ जाएगा। तीन पद अपन को निकालने। अब इसमें पहला पद ए बराबर कितना है 7, डी निकाल लेंगे a2 - a1, 11 में से 7 गया तो 4 आ जाएगा। और अपना एन बराबर कितना तेरे का 25, 25 पदों का योग उनको ज्ञात करना है। अब सूत्र लिखना अपन को, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a+n-1d। इसमें मान रख देंगे, मान रख दिया SN बराबर, एन बराबर कितना तेरे का 25, 25/2, ए बराबर 7, 2 × 7 प्लस एन बराबर 25, 25 - 1 और डी का मान 4, ठीक है। इसको हल किया 25/2, 7 × 2 = 14, 25 में दे गया 24, 24 को 4 से गुणा किया तो 96 छन्नी आ गए, ठीक। छन्नी और 14 कितने हो गए 110, 110 को फिर अपन ने 2 से काट दिया तो 2 से का 55, 55 को 25 से गुणा किया तो 1375 आ गया। तो सिंपल है SN वाले सूत्र से, केवल ध्यान ये रखना है यहाँ पर आपको n बराबर 1, 2, 3 रखकर एक बार आपको समांतर श्रेणी बनानी। अगर आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और वो पूछे 25 पदों का योग ज्ञात करना, तो सिंपल है आप SN वाले सूत्र से आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सा सवाल है, केवल आप इनके मान याद रखना, मान याद रखने के लिए अपनी सारणी याद कर लेना, साइन कोस टेन वाली सिंपल सी सारणी है, उनके मान आप याद कर लेना। ऐसे सवाल आपके 2 या 3 सवाल आएंगे जो आप आसानी से कर पाओगे। ये कह रहा 10 square 60 और 3 cos² 30 का मान ज्ञात करना। तो 10 60 और cos 30 के मान रखने, मान रख दिया 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, √3 यानी स्क्वायर लग रहा है, √3 का स्क्वायर प्लस 3 cos² 30 यानी 3 तो इसके इंटू में आ जाएगा, और कोस 30 का मान होता है √3/2। इसको हल किया, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, है ना। किसी भी √का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ गया। इधर 3 तो इसके इंटू में √3/2 तो 3 का √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 आ गया, ठीक है। इधर आ गया 3, 3 को 3 से गुणा किया 9/4, फिर आसानी से हल कर लिया, लघुतम 4, 1 का भाग 4 में 4, 4 × 3 = 12 और 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 9 से गुणा किया 9 और 12 = 21, 21/4 आपका आंसर आ गया। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट ये भी आपको मान रख के ही करना था सवाल, 4 cos³ 45 - 3 cos 45 का मान ज्ञात करना, यानी cos 45 का मान आपको रखना है यहाँ पे। तो 4 तो इसके इंटू में आ जाएगा, और 45 का cos 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 की घात 3 लगा दी हमने, फिर 3 × cos 45 का मान 1/√2, ये 4 × इसको 1/√2 को 3 बार लिखते हैं अगर अपन, 1/√2 × 1/√2 × 1/√2 इस प्रकार 3 बार लिखते हैं तो √2 √2 कितना 2, तो 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/√2, और ये 4 इसके इंटू में था, माइनस 3/√2 लिख दिया, इस 2 से 2 कट गया तो ये हमारे पास आ गया 2/√2,
माइनस तीन बटा रूट दो, लघुत्तम ले लिया, रूट दो लघुत्तम आया, रूट दो का भाग इसमें एक बार एक को दो से गुणा, दो माइनस ये तीन, दो माइनस तीन यानी तीन, माइनस के तीन में से प्लस के दो गया तो माइनस का एक बटा दो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट साइन साठ कोस तीस प्लस साइन तीस कोस साठ का मान ज्ञात करो, तो इनके मान रखने अपन को, सिंपल सा सवाल है। साइन साठ का मान होता है अंडर रूट तीन बटा दो, और कोस तीस का मान होता है अंडर रूट तीन बटा दो। साइन तीस का मान एक बटा दो और कोस साठ का मान एक बटा दो, इनको गुणा करेंगे, बीच में किसी का निशान नहीं, इसका मतलब गुणा है ना। अंडर रूट तीन को तीन से गुणा किया तीन, दो को दो से गुणा किया चार, प्लस एक बटा दो, एक बटा दो एक बटा चार, लघुत्तम आया चार, तीन प्लस एक चार, चार बटा चार, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट ऐसा सवाल भी आ सकता है, सिद्ध करो LHS बराबर RHS। तो इसमें क्या करना, आपको दोनों तरफ मान रखने और मान रख के अपन मान निकालेंगे तो दोनों के मान समान आ जाएगी LHS और RHS के। तो पहले अपन ने क्या करिए, LHS के मान रखे, LHS यानी ये फोर साइन तीस साइन स्क्वायर साठ प्लस थ्री कोस साठ टेन पैंतालीस बराबर टू सेक स्क्वायर पैंतालीस माइनस कोसेस स्क्वायर नब्बे। तो साइन तीस का मान एक बटा दो, चार इंटू एक बटा दो, और साइन स्क्वायर साठ यानी अंडर रूट साइन साठ का मान अंडर रूट तीन बटा दो होता है, साइन स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस थ्री कोस साठ, थ्री कोस साठ टेन पैंतालीस, तो कोस साठ का एक बटा दो, टेन पैंतालीस का मान एक होता है रख दिया। अब इसको हल किया, चार बटा दो इधर आ जाए, अंडर रूट तीन का स्क्वायर किया तो तीन, तीन बटा चार आ जाएगा, प्लस तीन बटा दो, इस चार से चार कट गया तो हमारे पास बचा तीन बटा दो, तीन बटा दो, तीन बटा दो, तीन बटा दो को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा तीन। तो LHS में कितना मान आया, तीन आया। इसी प्रकार RHS में करेंगे, RHS ये हमारा टू सेक स्क्वायर पैंतालीस माइनस कोसेस स्क्वायर नब्बे, तो सेक पैंतालीस का मान होता है अंडर रूट दो, तो ये आ गया टू अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस कोसेस नब्बे का मान एक होता है, तो इस अंडर रूट दो को स्क्वायर करेंगे तो दो आ जाएगा, दो को दो से गुणा किया चार, और इसका मान एक का स्क्वायर एक ही होगा, चार में से एक गया तो तीन, इधर आ गया तीन, इधर भी कितना आ गया तीन। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। सिंपल सा सवाल है, केवल आपको मान रखना है, मान रख के आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सवाल पे आपको पूछ सकता है कि कोस सैंतीस है और साइन तिरपन, कोस सैंतीस अपॉन साइन तिरपन, इसके मान ज्ञात करने, तो कोस सैंतीस है उसको मैं लिख सकता हूँ कोस नब्बे माइनस सैंतीस, और नीचे साइन तिरपन, कोस नब्बे माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है, कोस नब्बे माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये कोस नब्बे माइनस सैंतीस, तो नब्बे में सैंतीस तिरपन यानी साइन तिरपन अपॉन साइन तिरपन, इसे दोनों कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार इसी का एक सवाल और लिया है इसी तरीके से, टेन दस डिग्री अपॉन कोट अस्सी डिग्री है ना, तो टेन नब्बे माइनस, नब्बे माइनस दस होता है उसका, उसको कहते हैं कोट थीटा है ना, टेन नब्बे माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे टेन नब्बे माइनस दस कर दिया, तो नब्बे माइनस दस किया तो ये आ जाएगा आपका कोट अस्सी, और नीचे भी दे रखा आपका कोट अस्सी, कोट अस्सी से कोट अस्सी कट जाए तो कितना आ जाएगा, आंसर एक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये निर्देशांक ज्यामिति वाला सवाल लिया मैंने, सिंपल सा सवाल है, केवल सूत्र के आधार पर मान रखना है आपको, निकालना है मध्य की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, सवाल कह रहा है बिंदु 2.3 और 5.6 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी, तो ए बराबर दे रखा 2.3 और बी बराबर का 5.6 दे रखा, इसमें जो पहला मान होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, तो यह जाएगा आपका एक्स वन वाई वन, दूसरा है एक्स टू वाई टू, सूत्र है हमारा अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने मान रख दिया, सिंपल एक्स वन था हमारा दो और एक्स टू था हमारा पाँच, सूत्र में माइनस लग रहा था, दो माइनस पाँच का होल स्क्वायर प्लस तीन माइनस छः का होल स्क्वायर, दो में से पाँच यानी माइनस तीन का होल स्क्वायर और प्लस माइनस तीन का होल स्क्वायर, माइनस तीन का होल स्क्वायर करेंगे तो नौ, प्लस का नौ, इधर भी नौ आ जाएगा, नौ और नौ कितना आ गया अठारह, अंडर रूट का अठारह, अंडर रूट अठारह को अपन लिख सकते हैं तीन रूट दो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अठारह अठारह में अपन दो का भाग देंगे नौ, नौ में तीन का भाग दिया तीन, तीन में तीन का दिया एक, ये जोड़ा बन गया तीन, और ये दो जोड़ा नहीं बना तो अंडर रूट दो, तीन रूट दो इसको लिख सकते हैं अपन। तो ये सिंपल सा सवाल है, सूत्र याद रखना आप, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, इस सूत्र से आपको आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली है, जो आपके थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अच्छे नंबर आप आसानी से ला सकोगे। नेक्स्ट निर्देशांक ज्यामिति का एक अनुपात वाला सवाल है, उसमें सूत्र x और y का मान आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, उसका भी सिंपल सा x x का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है m1 x2 प्लस
एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और वाई के लिए आ जाएगा आपका एम वन बाई टू और एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये सवाल क्या कह रहा है देखना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस दो कोमा एक पाँच कोमा चार को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको लिख दिया अपन, ए और बी दोनों बिंदु थे, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, ए पर दे रखा मान माइनस के दो और प्लस का वन और इधर दे रखा पाँच कोमा चार। सूत्र लिख दिया मैंने, एक्स बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और वाई के लिए भी यही सूत्र आएगा, एम वन एक्स की जगह वाई आ जाएगा है ना, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। इनके मान रख दिए अपन ने, एक्स बराबर एम वन था दो एक्स टू पाँच प्लस एम टू तीन और एक्स वन था आपका माइनस का दो अपॉन दो प्लस तीन एम वन एम टू दो का तीन देगा। ठीक है, इसको हल किया मैंने, पाँच दो दस, तीन को माइनस दो से गुण किया छः, दस में छः गया चार, नीचे आ गया पाँच, पहला एक्स बराबर आ गया आपका चार बटा पाँच, दूसरा वाई बराबर एम वन वाई टू और एम टू वाई वन अपॉन एम वन एम टू, तो एम वन वाई टू के मान रखे दो इंटू चार, इधर रखे तीन इंटू एक, दो को चार से गुण किया आठ, आठ और तीन ग्यारह, और तीन प्लस दो पाँच हो जाएगा तो ग्यारह बटा पाँच। तो आपके एक्स बराबर तो आ गया आपका चार बटा पाँच और वाई बराबर आ गया आपका ग्यारह बटा पाँच, दोनों आपके एक्स और वाई के निर्देशांक ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार ये गणित के अपन ने 8-10 सवाल के मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने लायक है। इससे पहले अपन ने गणित के 3-4 वीडियो डाल रखे हैं, वो आप देख लेना, जैसे बहुलक है, मातिका है, माति ज्ञात करने सिंपल है जो आपके एग्जाम में ज़्यादा ही हेल्प करेंगे, तो उन सवालों को आप देख लेना, मातिका, बहुलक और सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी पहले वाले वीडियो में अपन ने डाल रखे, वो देख लेना। आगे और भी इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा, तो जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना एग्ज़ाम में। थैंक यू।